डीमन स्लेयर्स का सीजन 4, क्रंचरोल के नए हिंदी डब एनिमे, सोलो लेवलिंग का सीजन 2 और माय हीरो एकेडमी का हिंदी डब, सारी बातें होने वाली हैं इस वीडियो के अंदर। काफी सारे अपडेट हैं, तो स्वागत करता हूँ यारो तुम लोगों का न्यूज़ और अपडेट की इस सीरीज़ के अंदर एनिमे पत्रिका में। इस सीरीज़ के अंदर भाई मैं तुम्हें एनिमे से रिलेटेड न्यूज़ होते हैं, अपडेट होते हैं, हिंदी डब होते हैं, उन सब के बारे में बताता हूँ। तो ज़्यादा टाइम बात नहीं करते हैं, पहली खबर की ओर चलते हैं। सबसे पहली खबर की हम बात करें तो भाई वो निकल के आ रही है डीमन स्लेयर के सीजन 4 की तरफ से। आप सबको पता है जो डीमन स्लेयर का जो सीजन 4 है वो हमें देखने को मिलने वाला भाई 13 अप्रैल को। हाँ, हमें 13 अप्रैल को भाई डीमन स्लेयर का सीजन 4 देखने को मिल जाएगा, लेकिन कन्फ्यूजन ये आती है वो हमें काय पर देखने को मिलेगा, मुशे इंडिया के यूट्यूब चैनल पर आएगा फ्री में या भाई हमें क्रंचरोल पर देखने को मिलेगा, और हिंदी डब किस चीज़ पर आएगा। हिंदी डब से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन थे आप लोगों के। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं जो डीमन स्लेयर का जो सीजन 4 है हमें किस प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगा, तो भाई वो देखने को मिलेगा तुम्हें क्रंचीरोल पे। हाँ, मुशे इंडिया ने भाई इसके ना राइट परचेस करे हैं, लेकिन उस पर देखने को तुम्हें नहीं मिलेगा, ये देखने को मिलेगा तुम्हें क्रंचीरोल पे। और हिंदी डब की हम बात करें तो भाई हिंदी डब डेफिनेटली आएगा इसका, सीजन 2 आ चुका है, सीजन 3 भी आ चुका है, और सीजन 4 भी आपको है ना क्रंचीरोल पे देखने को मिलेगा। होपफुली यार इसका हिंदी डब अच्छा हो, सीजन 2 की तरह नहीं हो। अगली जो खबर निकल के आ रही है भाई वो निकल के आ रही है श्रृंगली द फ्रंटियर के सीजन 2 की तरफ से। आप सबको पता है इसका एनिमे का सीजन 1 हिंदी डब हुआ था आज से 1-2 महीने पहले, भाई सबको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था ये एनिमे, ये गेमिंग टाइप का कुछ एनिमे था, इस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, चेकआउट कर लेना। अब अपडेट निकल के आ रही है कि इसका सीजन 2 ऑफिशियल अनाउंस हो चुका है, ये आपको देखने को मिलेगा 2024 के अंदर, लगभग ये आपको है ना नवंबर दिसंबर के अंदर देखने को मिल सकता है। बात करते हैं इसके हिंदी डब की, भाई इसका सीजन 1 पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, इसका सीजन 2 भी हिंदी डब में आने के काफ़ी ज़्यादा चांस है। अगली खबर की हम बात करें तो भाई वो निकल के आ रही है ड्रैगन बॉल सुपर एनिमे की तरफ से। हम सबको पता है इसका हिंदी डब जो ड्रैगन बॉल सुपर का काफी टाइम पहले भाई है ना कार्टून नेटवर्क कर चुका है, लेकिन बात करते हैं ऑनलाइन इसको हम किसी चीज पे नहीं देख सकते, लेकिन भाई क्रंचरोल ने फाइनली ना इसको इंडिया के अंदर ऐड कर दिया है, भाई क्रंचरोल पे आप जाके ड्रैगन बॉल सुपर देख सकते हो, लेकिन भाई इसका हिंदी डब ऐड नहीं करा उन्होंने। अगली खबर की हम बात करें तो भाई वो निकल के आ रही है हंकाई लाइफ की तरफ से। अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो भाई सब्सक्राइब कर लो, क्या कर रहा है अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, इतनी सारी मेहनत कर रहा हूँ तुम लोगों के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना। चलो अगली खबर की ओर चलते हैं। अगली खबर की हम बात करें तो भाई वो निकल के आ रही है पोकेमोन की मूवी की तरफ से। भाई इस मूवी की मैं बात करूं तो भाई 4-1 साल से इस मूवी का हिंदी डब का मैं वेट कर रहा था, द पावर ऑफ अस मूवी, फाइनली भाई हंगामा चैनल पे आपको देखने को मिलने वाली है ये मूवी, जल्दी हिंदी डब में आ जाएगी। अगली खबर की हम बात करें तो भाई वो निकल के आ रही है ब्लैक क्लोवर की तरफ से। हम सबको पता है ब्लैक क्लोवर का हिंदी डब है ना एनिमे भूत पे आने वाला था, लेकिन अब फाइनली उसका प्रमो आ चुका है, मतलब आपको 1-8 महीने मतलब इसी महीने का ना आपको ब्लैक क्लोवर का हिंदी डब देखने को मिल जाएगा, भाई काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होने वाला है ये एनिमे, नरूटो शिपोडेन या नरूटो के बाद भाई ये एनिमे आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलने वाला है जो पॉपुलर होगा। अगले एनिमे की हम बात करें अगली खबर की हम बात करें तो भाई वो निकल के आ रही है माय हीरो एकेडमिया के तरफ से। आप लोगों को पहले मैं क्वेश्चन क्लियर कर देता हूँ, आप लोग मुझसे पूछ रहे थे भाई माय हीरो एकेडमिया का जो सीजन 4 था कार्टून नेटवर्क हिंदी डब कब आएगा, काफ़ी टाइम हो चुका है, 3-4 महीने हो चुके हैं इसका हिंदी डब अभी तक नहीं आया है। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ भाई इसका हिंदी डब आपको है ना 3-1 महीने के बाद हिंदी डब देखने को मिलने वाला है। हाँ, मेरे लीक्स निकल के आए हैं और रूमर्स भी निकल के आ रहे हैं कि जो है ना सीजन 4 जो हिंदी डब था भाई माय हीरो एकेडमिया का जो रोक दिया गया था वो आपको है ना 3-1 महीने के अंदर देखने को मिल जाएगा। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास लीक्स निकल के आए इस वजह से मैं तुम्हें बता रहा हूँ। वो माय हीरो एकेडमिया का जो सीजन 7 था ना भाई जो जैपनीज के अंदर आने वाला था नया भाई, वो आपको है ना इसी महीने को देखने को मिलने वाला है क्रंचीरोल पे। अगली खबर की हम बात करें तो भाई वो निकल के आ रही है वन पीस की तरफ से, उसके हिंदी डब से रिलेटेड। हमें जानता हूँ और काफ़ी सारे लोग एक्साइटेड हो गए होंगे भाई यहाँ पे नाउटो शिपमेंट आ रहा है साथ में वन पीस आ जाएगा, तो भाई क्या ही चीज़ है ये। भाई बात करते हैं भाई सिर्फ वन पीस का, सिर्फ 1 आर्क आने वाला, वो भी क्रंचीरोल पे। हमें जानता हूँ क्रंचीरोल इसका हिंदी डब कर रहे हैं, देखो लीक्स निकल के आए, ऑफिशियली कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन भाई जो लीक्स निकल के आए ना भाई काफ़ी स्ट्रॉन्ग सोर्स से निकल के आए हैं, मतलब वन पीस का जो 1 आर्क है मतलब मान के चलो भाई 800 एपिसोड के बाद का जो आर्क है वही तक डब करा जा रहा है। भाई देखो एक एपिसोड से डब करा जाता तो काफी अच्छा होता। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अगली खबर की हम बात करें तो भाई वो निकल के आ रही है अटैक ऑन टाइटन की तरफ से। हम सबको पता है अभी इंडिया के अंदर अभी लीगली अटैक ऑन टाइटन देखना चाहें तो हमें कहीं नहीं है, वो क्रंचीरोल पे भी नहीं है, अमेजोन प्राइम पे भी नहीं है, नेटफ्लिक्स पे भी नहीं है, अभी तक तो नहीं था, लेकिन भाई एनिमे टाइम्स के चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा भाई अटैक ऑन टाइटन का सीजन 1 और सीजन 2। हाँ, इसका हिंदी डब अभी तक नहीं आया, लेकिन भाई लीक्स निकल के आ रहे हैं आपको है ना मतलब इसी साल के अंदर भाई अटैक ऑन टाइटन का हिंदी डब भी देखने को मिल सकता है। अब देखो भाई कन्फर्म नहीं है लेकिन इसका हिंदी डब आएगा भाई, क्योंकि अटैक ऑन टाइटन काफ़ी अच्छा एनिमे। हाँ, कोई OTT प्लेटफॉर्म मिलेगा, कोई TV चैनल पर नहीं आने वाला, इतना सारा खून खराबा कैसे दिखाएंगे वो।
भाई अगली जो खबर निकल के आ रही है भाई, इसके लिए भाई मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। वो निकल के आ रही है भाई क्रंची रोल के नए हिंदी डब एनिमे के ऊपर, जो अप्रैल में आने वाले हैं। इस पर मैं पूरी एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, जिसका भाई मैंने तुम्हें आर्टिकल एनिमे में बताया था जो अप्रैल में आने वाले थे। क्रंची रोल ने नए 3 एनिमे ऐड और कर दिए। वो एनिमे कौन कौन से हैं देखो, पहले एनिमे ये है, दूसरा एनिमे भाई ये है, और तीसरा एनिमे ये है। तीसरा एनिमे अभी तक कोई कंफर्म नहीं हुआ, तीसरा एनिमे पहले के 2 एनिमे कंफर्म हो चुके हैं जो हिंदी डब में आने वाले हैं। अब देखो तुम सोचो नाम प्रनाउंस नहीं करा, मैं तुम्हारा टाइम बर्बाद बिल्कुल नहीं करने वाला, तुम खुद पढ़ सकते हो। तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो, लुच्चा। अगली खबर की हम बात करें, तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, क्या कर रहा है, इतनी सारी मेहनत कर रहा हूँ यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। अगली खबर की हम बात करें तो भाई वो निकल के आ रही है सोलो लीवलिंग के सीजन 2 की तरफ से। हम सबको पता है सोलो लीवलिंग का एपिसोड 8, 9, 10 वो अभी तक देखने को हमें नहीं मिले हैं। इसके हिंदी डब का हम वेट कर रहे हैं, ये डिले पे डिले हो रहे थे। अब देखो वो हिंदी डब तो आ जाएंगे, लेकिन बात करते हैं भाई सोलो लीवलिंग का सीजन 2 की, अनाउंस हो चुकी है। आप सबको पता चल चुका होगा भाई आपको जो सोलो लीवलिंग का जो सीजन 2 है वो आपको 2024 के अंदर देखने को मिलने वाला, उसका ट्रेलर भी आ चुका है भाई। आपको सीजन 2 भी हिंदी डब में आएगा, इसके लीक्स और रूमर्स निकल के आ रहे हैं। और बात है भाई सीजन 1 के बचे हुए एपिसोड कब आएंगे, तो भाई उस पर जैसे भी रिलेटेड कोई अपडेट होगा मैं तो अपने चैनल पे अपडेट कर दूंगा। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो में, और साथ साथ हिंदी डब एनिमे इस वीडियो का अंदर बताएं, यह वीडियो देख लेना यदि बोर हो रहे हो तो।